इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रिटिश संसद को संबोधित किया, जहां उन्होंने विकसित भारत की कल्पना पेश की। यह एक महत्वपूर्ण पल है जो भारत और ब्रिटेन के बीच गहराते संबंधों को दर्शाती है। ब्रिटेन सरकार द्वारा उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया था, जो उनकी विशेषज्ञता और योगदान को मान्यता देता है। इस अवसर पर न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने भारत की प्रगति और विकास की दिशा में की गई उपलब्धियों को साझा किया, जिससे ब्रिटिश संसद सदस्यों को भारत की बदलती तस्वीर को समझने का मौका मिला। उनका संबोधन सिर्फ कानूनी शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और न्याय प्रणाली के उन पहलुओं पर केंद्रित था जो भारत की समृद्ध विरासत का अभिन्न हिस्सा है। न्यायमूर्ति श्री यादव ने कहा कि यह मंच उन्हें न केवल भारतीय न्यायिक प्रक्रिया की विशिष्टताओं पर प्रकाश डालने का मौका प्रदान करता है, बल्कि भारतीय समाज और उसकी विविधता की गहन समझ को भी प्रस्तुत करने का अवसर देता है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, यहाँ की संस्कृति है, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है, जिसे है विकसित भारत 2047। तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, 2047 तो बहुत दूर की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले हम बहुत विकसित थे। यही कारण है कि हम इस देश को, भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर दूध दही की नदियां बहती हैं, उसका मतलब यह था कि हम बहुत समृद्धशाली थे, हम संपन्न थे, हमारा राज्य केवल जहां तक हम सिमटे हुए यहां तक नहीं था, विश्व के बहुत जगह तक हमारा राज्य फैला हुआ था, लेकिन वो राज हमने विस्तारवादी नीति से नहीं पाया था, अपने हृदय से पाया था, प्रेम से पाया था। यही कारण है कि हमारे यहां राम हुए, कृष्ण हुए, जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, समाज और राज्य कैसे चलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी हमको गीता में संदेश दिया कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। कालांतर में आकर के गुरु नानक हुए, विवेकानंद हुए, ऐसे तमाम महावीर और जैन हुए जिन्होंने एक हमको दिशा दी। हम पल्लवित और पुष्पित थे, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जब हमारे इस भोलेपन से गैरों ने लाभ उठाया और हमें कमजोर किया, और ये कमजोरी हमने वर्षों तक झेला है, सैकड़ों वर्षों तक।